नमस्कार दोस्तों दोस्तों पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल श्री बैंकर युग के नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जान चुके हैं, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन से आप जान चुके हैं, इस वीडियो में हम लोग जो एजुकेशन लोन में सब्सिडी मिलती है ना, उसके विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों किसी की लाइफ में, हमारे आपके जीवन में एजुकेशन का क्या महत्व है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी बैंक से अपनी पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों एजुकेशन लोन आप कैसे ले सकते हैं, यदि आप इंडिया में पढ़ाई करते हैं तो आप एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हैं, यदि आप अब्रॉड से पढ़ाई करना चाहते हैं तो एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हैं, यदि आप इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं तो एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हैं, और आप एजुकेशन लोन के लिए विद्यालक्ष्मी पोर्टल से अप्लीकेशन कैसे करेंगे, इसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों जब आप एजुकेशन लोन लेते हैं ना, तो सब्सिडी का क्लेम आपको स्वयं नहीं करना पड़ता, ये वह बैंक करता है, वह बैंक ब्रांच करता है जहाँ पे आपका एजुकेशन लोन चलता है। हाँ, आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जैसे इनकम प्रूफ बैंक में सबमिट करना पड़ता है। दोस्तों अपने 10 साल के बैंकिंग करियर में हमने देखा है, हमने जितने भी एजुकेशन लोन सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है ना, आज तक कोई भी रिजेक्ट नहीं हुआ, सारे लोगों के इंटरेस्ट सब्सिडी आती ही आती है। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद ना आए, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि आगे फ्यूचर में, भविष्य में हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो, फाइनेंस रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लाते रहें। दोस्तों एजुकेशन लोन में सब्सिडी की जो सबसे अच्छी स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है। इस स्कीम को HRD मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। दोस्तों इस सब्सिडी स्कीम की खासियत यह है कि इसमें कास्ट की कोई क्राइटेरिया नहीं है। यदि आप SC ST हैं, OBC हैं, जनरल हैं, माइनॉरिटी हैं, आप किसी भी कास्ट में हैं तो भी आप इस सब्सिडी स्कीम के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसकी जो बेसिक क्राइटेरिया है कि आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में होना चाहिए, जिसमें इनकम लिमिट 4.5 लाख रुपये रखी गई है। यह सब्सिडी स्कीम इनलैंड स्टडी के लिए है। यदि आप देश में पढ़ाई करना चाहते हैं, इंडिया में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एप्लीकेबल होगी। यदि आप फॉरेन में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए यह सब्सिडी स्कीम अप्लीकेबल नहीं होगी। इस सब्सिडी स्कीम में आपको 10+2 यानी कि 12th के बाद जो आप एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, उसके लिए अप्लीकेबल होती है। आप कहीं से ग्रेजुएशन करते हैं, आप मेडिकल करते हैं, आप किसी प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, आप कोई टेक्निकल कोर्स करते हैं, उसके लिए अप्लीकेबल होती है। आप ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन लेते हैं, आप यदि मास्टर डिग्री के लिए एडमिशन लेते हैं तो यह सब्सिडी स्कीम अप्लीकेबल नहीं होती है, यह केवल ग्रेजुएशन के लिए ही अप्लीकेबल होती है। दोस्तों इस स्कीम में आपको 10 लाख रुपये तक की इंटरेस्ट सब्सिडी मिल सकती है। यदि आपके अकाउंट में, आपके लोन अकाउंट में मोरेटोरियम पीरियड और कोर्स पीरियड के दौरान 10 लाख तक का इंटरेस्ट लगता है तो आपकी सब्सिडी 10 लाख रुपए तक हो सकती है। इस स्कीम में तहत वही लोन अकाउंट एलिजिबल होते हैं जिसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती है। दोस्तों बैंक 7.5 लाख रुपए से ऊपर जितने भी लोन सेंक्शन करते हैं ना, उसमें कोलेटरल सिक्योरिटी डिमांड करते हैं, लेकिन इंडिया के जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जिसमें ब्राइट स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं ना, तो बैंक उसमें कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी डिमांड नहीं करते हैं। उसमें एजुकेशन लोन का अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख भी हो सकता है, लेकिन बैंक उसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी डिमांड नहीं करते हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग के लिए IIT या NIT में एडमिशन लेते हैं तो कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता, आप IIM में एडमिशन लेते हैं MBA के लिए तो कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता, आप मेडिकल के फील्ड में कई सारे कॉलेज हैं, आपके एम्स वगैरह इस तरह के कई सारे कॉलेज हैं, यदि आप उसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। दोस्तों अपना जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट का लिस्ट है ना, वो आपको HRD मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और बैंकों के वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहता है। इस सब्सिडी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इनकम प्रूफ अपने पेरेंट का सबमिट करना पड़ेगा। यह इनकम सर्टिफिकेट किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इश्यू होना चाहिए, या आपका जो ITR फाइल करते हैं वो भी मान्य होगा। यदि आपके पेरेंट्स सही क्लास में आते हैं तो फॉर्म 16 मान्य रहता है। दोस्तों यह सब्सिडी लेने के लिए आपका और आपके पेरेंट्स का आधार मैंडेटरी होता है। दोस्तों गवर्नमेंट की दूसरी सब्सिडी स्कीम है परो प्रदेश सब्सिडी स्कीम। इस सब्सिडी स्कीम के तहत वही एजुकेशन लोन कवर किए जाते हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों यह सब्सिडी स्कीम अब्रॉड के लिए ही होती है, इंडिया के लिए अप्लीकेबल नहीं होती है, और यह सब्सिडी स्कीम हायर एजुकेशन के लिए अप्लीकेबल होती है, ग्रेजुएशन के लिए अप्लीकेबल नहीं होती। अगर MPhil करना चाहते हैं, आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, आप PhD करना चाहते हैं अब्रॉड से, तो ही अप्लीकेबल होती है।
यह सब्सिडी स्कीम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए रखी गई है जिसकी इनकम क्राइटेरिया 6 लाख रुपए से कम है। दोस्तों इसमें भी मोरेटोरियम पीरियड और कोर्स पीरियड के दौरान जो भी इंटरेस्ट लगता है वो आपको सब्सिडी के रूप में मिलती है। इस सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आपको किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। दूसरा, यह सब्सिडी स्कीम जो हमारे 20 लाख तक के लोन होते हैं ना उसके लिए ही एलिजिबल होती है। यदि आप 20 लाख रुपए से ऊपर का लोन लेते हैं तो यह सब्सिडी स्कीम अप्लीकेबल नहीं होती। दोस्तों एजुकेशन लोन पे जो तीसरी सब्सिडी स्कीम है उसे डॉक्टर अंबेडकर सेंटर सेक्टर सब्सिडी स्कीम के नाम से जानते हैं। यह सब्सिडी स्कीम अब्रॉड स्टडी के लिए ही होती है, इंडिया के लिए नहीं होती है। ये हमारे ओबीसी क्लास, अदर बैकवर्ड क्लासेस और ईबीसी जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस होते हैं ना उनके लिए अप्लीकेबल होती है। जो हमारे ओबीसी क्लास होते हैं ना उनकी इनकम की क्राइटेरिया इसमें 8 लाख रुपए रखी गई है, जबकि हमारे ईबीसी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस हैं उसके लिए इनकम क्राइटेरिया 5 लाख रुपए रखी गई है। दोस्तों इस स्कीम में सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आपके लोन का अमाउंट 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको इनकम सर्टिफिकेट किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू इनकम सर्टिफिकेट बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। इसमें आपको मोरेटोरियम प्लस कोर्स पीरियड में जो इंटरेस्ट आपके लोन अकाउंट में चार्ज होता है उस पर सब्सिडी दी जाती है। दोस्तों इस तरह हम लोग देखते हैं ना, जो आपका एजुकेशन लोन है, यदि आपका एजुकेशन लोन चल रहा है या आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं ना, उस पर 3 तरह की सब्सिडी स्कीम अप्लीकेबल होती है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम जो सबके लिए होती है, जिसपे इनकम क्राइटेरिया 4.5 लाख रुपए तक रखा गया है, इसमें कोई कोटा सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा पड़ो प्रदेश स्कीम जो हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ही होता है। तीसरा हमारा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंट्रल सब्सिडी स्कीम जो हमारे ओबीसी और ईबीसी क्लास के लिए ही अप्लीकेबल होती है। दोस्तों इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, एजुकेशन लोन से संबंधित कोई क्वेश्चन हो या सब्सिडी से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमको इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम करके भी पूछ सकते हैं। आप फेसबुक पर भी क्वेश्चन करके हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित यदि आपको फ्यूचर में किसी तरह की और भी कोई जानकारी चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।